नेम इस परवीन अली सम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको कलर एप्लीकेशन में दोस्तों वीडियो को कलर ग्रेडिंग करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो जो आपने कलर एप्लीकेशन के बारे में सुना ही होगा, अभी भी नया आया इसमें दोस्तों प्रीसेट भी आपको मिलते हैं और आप वीडियोस को और फोटोज़ को भी एडिट कर सकते हैं काफ़ी आसान तरीके से। यहाँ पर बहुत सारे कमाल के फिल्टर आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर जो है प्रीसेट भी मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि वीडियोज़ को कैसे कलरिंग करते हैं वो भी प्रोफेशनल तरीके से। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करती है और वीडियो को स्किप किए मैं मत देखना, वरना आप दोस्तों कोई भी पार्ट मिस करोगे तो आप एडिटिंग अच्छे से नहीं सीख पाओगे। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें और आप भी अपने किसी वीडियो को सेलेक्ट कर लेना जिसको आप एडिट करना चाहते हैं। तो मैंने एक स्टॉक वीडियो को सेलेक्ट किया जिसको मैं आपको एग्जांपल में एडिटिंग करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर भी है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप नए नए आपको बिल्कुल एडिटिंग नहीं आती, आप ये फ़िल्टर को भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये पहली वाली जो है इमेज है, तो ये वीडियो देख सकते हो, ये बिफोर वाली वीडियो है। यहाँ पर मैं फ़िल्टर को लगाता हूँ, देख सकते हो जस्ट वन क्लिक में कैसे एक फ़िल्टर अप्लाई हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये एडिटिंग जो काफ़ी कमाल की हो गई है। लेकिन यहाँ पर और भी फ़िल्टर है, उसको भी आप अप्लाई करके देख सकते हो कि आपकी वीडियोज़ पे कौन सा इफेक्ट जो सूट हो रहा है, ठीक है। इसके हिसाब से आप कोई भी रख सकते हो। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली आप खुद करना चाहते हो कस्टमाइज में, तो आपको जाना यहाँ पे एडजस्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं नॉर्मल में आ गया, ठीक है, हमारा जो नॉर्मल फोटो था वही। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल में आ गया, यहाँ पर आप डायरेक्ट नॉर्मल में आ गए। यहाँ पर एक ऑप्शन होगा एडजस्ट वाला ऑप्शन पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉपिंग का, लाइट का और वाइट बैलेंस का सारा कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर आप क्रॉप करना चाहो तो क्रॉप में जा सकते हो, वरना आप लाइटिंग में जाके इसकी लाइटिंग को एडजस्ट करना। तो मैं यहाँ पर ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा के इसकी एक्सपोजर को मैंने थोड़ा सा कम कर लिया, ठीक है। तो अगर आपके अंदर वीडियो में लाइट कम ज़्यादा है तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। फिर आता है WB, यहाँ पर टेम्परेचर और टिंट को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा माइनस कर लेता हूँ, अपने वीडियो के हिसाब से कर लेना है। तो मैंने इतना एडजस्ट कर लिया, इसके बाद डन कर दिया। फिर इसके बाद आता है HSL। तो ये जो हमारा मेन टूल है जिसकी वजह से हम पूरा वीडियो को एडजस्ट करेंगे। तो फर्स्ट वाला रेड को मैं थोड़ा इस टाइप से बढ़ा लेता हूँ, बाकी को मैं माइनस कर लेता हूँ, ये ऐसा इतना ज़्यादा माइनस नहीं करूँगा। फिर ये जो फेस का कलर, अब ठीक है, इसको मैं ऐसे थोड़ा फुल कर देता हूँ। फिर ग्रीन वाले पे जाके पूरा माइनस कर दे, जिसकी वजह से हमारे वीडियो में ऑरेंज टोन जो है आ जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हो पूरे फोटोज में ऑरेंज टोन जो है अभी आ गई है, ठीक है। तो हमने उस वीडियो के अंदर ऑरेंज टोन डाल दिया, ठीक है, पहले वाली इमेज और बाद वाली, ठीक है। फिर मैं जाऊँगा स्काई ब्लू में, इसको मैं पूरा माइनस करूँगा ऊपर से, उसका सैचुरेशन को बढ़ाऊँगा ऊपर से। आपको दोस्तों इसके बढ़ाना है, फिर इसको बढ़ाए, इसकी वजह से दोस्तों हमारा स्काई जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरे यहाँ पर दूसरे कलर को मैं माइनस कर दूँगा पूरा माइनस, ठीक है। तो मैंने इसको पूरी तरह से माइनस कर दिया। फिर जाऊंगा नीचे डन वाले ऑप्शन पर, फिर यहाँ पे डिटेल्स का अब डिटेल्स शार्पनेस और क्वालिटी डाल सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ी क्लियरिटी को बढ़ाऊंगा। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ऐसे आपको वीडियो के हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा आपका वीडियो का हिसाब से आपको और एडिटिंग हो पाएगी। तो आप एक कलर में जाके आप सैचुरेशन और वाइब्रेशन को भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सैचुरेशन को थोड़ा कम करूँगा और मैं ज़्यादा नहीं, यहाँ पर मैंने 7% माइनस किया, ठीक है। और वाइब्रेशन को मैंने 30 तक रखा। अपने वीडियो हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। फिर यहाँ पर और भी ऑप्शंस है, तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर ग्रेन, ग्लो, ब्लर, तो ये ब्लर ज़्यादा मैं नहीं लगाऊंगा। यहाँ पर मैं कर्व में जाके थोड़ा एडजस्ट करूँगा इसको। तो कर्व जो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप इसको प्रोफेशनली सीखो तो काफ़ी दोस्तों आपको वीडियो में आसानी होती है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने डन कर दिया। फिर आप रेड में जाके आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने डन कर दिया, ज़्यादा इसके छेड़छाड़ नहीं करेंगे या पूरा चेंज हो गया। आप ग्लो कर सकते हो, अगर आपने फेस वेस हो तो फेस को भी आप ग्लो कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या ज़्यादा फेस नहीं दिख रहा इसलिए मैं ग्लो वाला कम ही रखूँगा। और यहाँ पर विग्नेट को भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये जो ऑप्शन है दोस्तों शेडो के लिए, स्पेशल शेडो वगैरह, ठीक है, तो इसमें मैं नहीं करूँगा।
तो हमारे ज़्यादा इस वीडियो में शेडो या हाईलाइट नहीं है, तो इसको मैं छेड़छाड़ नहीं करूँगा। तो आपको मैं मेन कौन से टूल का है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे आपको लाइटिंग टूल को एडजस्ट करना, फिर दोस्तों आपको वाइट बैलेंस को, फिर HSL को, और फिर डिटेल में जाना है, और फिर आप कलर वाला भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये ज़्यादातर हमारे वीडियो में मेन जो है रोल प्ले करते हैं, अगर किसी भी वीडियो को आपको कलर ग्रेडिंग करना है तो, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से वीडियोस को एडजस्ट कर सको। तो यहाँ पर मैंने इतना कर लिया, यहाँ पर मैंने डन कर लिया, ठीक है। एक्सपोर्ट भी हो रहा है, तो मैं बिफोर एंड आफ्टर आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। साइड में एक छोटा सा ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे यहाँ पर दिखाएगा तो पहले कैसा था और बाद में हमारा वीडियो कैसा जो है एडिट हो गया, ठीक है। अगर आप कोई मिनी व्लॉग बनाते हो, इसमें काफ़ी आसान तरीके से आप इसको एडिट कर सकते हो, मिनी व्लॉग वगैरह, ठीक है। काफ़ी अट्रैक्ट रहेगा अगर आप रील वगैरह बनाते हो, ठीक है। वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर जाना है एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर और डन वाले ऑप्शन पर, तो आपको ऑटोमेटिकली ये वीडियो जो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको कलर ग्रेडिंग सीखी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और कमेंट में ज़रूर बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा। मेरे चैनल पर और भी वीडियोज़ है तो वो भी देखो, और बताओ कैसे चैनल पर वीडियोज़ है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। मिलते अगले वीडियो में।